नमस्कार दोस्तों, डी एन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो ना क्वेश्चन है वो क्लास टेंथ के मैथ से है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास टेंथ के मैथ के बहुपद से है, और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 के शून्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है हमें ये द्विघात बहुपद दिया गया है और इसका जो है हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए हल, यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर √3x² - 8x + 4√3 है। दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर √3x² - 8x + 4√3 है। अब चलिए प्रश्नानुसार जो है, देखिए प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार जो है हम लोग को इस बहुपद का जो है शून्य निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बहुपद का शून्य निकालना हो तो उसके बराबर जो है क्या करते हैं, उस बहुपद के बराबर क्या करते हैं, तो जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पी एक्स बराबर क्या होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि हमें जो है इस बहुपद का जो है शून्य निकालना है। तो देखिए पी एक्स बराबर क्या है, तो √3x² - 8x + 4√3 है बराबर जीरो। जीरो क्यों लिए हैं इसके बराबर, क्योंकि हमें जो है इस बहुपद का जो है शून्य निकालना है, इसीलिए जो है इस बहुपद के बराबर जो है जीरो लिए हैं। अब जैसे कि हम लोग क्लास नाइन्थ में जो है इस टाइप का गुणनखंड किए हैं, मतलब इसको जो है इस बहुपद को जो है इस टाइप के बहुपद को जो है बहुत बार जो है गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ पर भी जो है इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। यहाँ देखिए गुणनखंड के नियम के अनुसार जो है x² के कोफिशियंट और इसको जो है गुना किया जाता है। तो देखिए गुना करते हैं, 4√3 × √3 क्या होगा, तो 4 × √3 × √3 क्या होगा, 3, मतलब 4 × 3 = 12। अब देखिए गुना करने के बाद जो आया है उसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6। अब देखिए रूल के अनुसार जो है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है मतलब हमें जो है जोड़ के जो है ये 8x लाना है या फिर 8 लाना है, ये मध्य टर्म को जो है लाना है। तो यहाँ देखिए इसी में से जो है जोड़ के जो है पुराना है कितना, तो 8। तो ये देखिए इसको लिखेंगे √3x² (3×6+2×x) जोड़ के जो है 8 आ गया +4√3 = 0। यहाँ देखिए √3x² - 6x + −2x + 4√3 = 0। यहाँ देखिए इस 6 में क्या क्या है, तो इस 6 में जो है √3 है गुने √3 है और गुने 2 है, ये जो है 6 के बराबर है। √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा, और 3 × 2 क्या होगा, 6 होगा। तो इस 6 में जो है √3 × √3 × 2 है, तो जब हम लोग इन दोनों में से जो है √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये देखिए √3 के साथ जो है x भी कॉमन आ जाएगा, तो √3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि x निकल गया है, √3 निकल गया है, तो x ही बचेगा खाली, क्योंकि x² था पहले। अब यहाँ देखिए माइनस इस 6 में से जो है √3 जो है निकाल लिए, तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा, x जो है निकाल चुके हैं कॉमन में। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से जो है -2 कॉमन लेते हैं, तो जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, माइनस जो है प्लस में से कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, और यहाँ पर लिखेंगे 2√3, क्योंकि 4 में से जो है 2 कॉमन ले लिए हैं बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, बाहर निकलेगा मतलब कॉमन में आएगा, तो x माइनस 2√3 × होगा √3 × x - 2 = 0। अब देखिए या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो x - 2√3 = 0 या क्या होगा, तो √3x - 2 = 0। यहाँ देखिए x बराबर होगा 0 + 2√3 या x बराबर होगा 2, 0 + 2 क्या होगा, तो 2 होगा, लिख लेते हैं। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे x बराबर
टू रूट थ्री, जीरो प्लस टू रूट थ्री क्या होगा, टू रूट थ्री होगा, या x बराबर होगा टू बाय रूट थ्री। ये जो है इस साइड गुना में था, मतलब गुना में है, जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो किस में आएगा, तो भागा में आएगा, तो ये टू बाय रूट थ्री, जीरो प्लस टू क्या होगा, टू होगा। तो यहाँ पर जो है इस बहुपद का जो है शून्य क्या क्या आ गया, तो टू रूट थ्री और टू बाय रूट थ्री। तो इसको जो है लिख लेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस फोर रूट थ्री के शून्यांक, शून्यांक क्या क्या है, तो टू रूट थ्री और टू बाय रूट थ्री है। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।